बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म घायल और आमिर खान की फिल्म दिल को रिलीज हुए 31 साल हो चुके हैं। साल 1990 को रिलीज हुई ये दोनों ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई थीं। हालांकि इस फिल्म के बाद सनी देओल और आमिर खान में दुश्मनी है। आमिर खान ही नहीं, बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ एंग्री यंग मैन सनी देओल का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि सनी देओल का गुस्सा तो आप पर्दे पर कई बार देख चुके हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि जितना गुस्सा रियल लाइफ में सनी में देखा गया है, उससे कई ज्यादा गुस्सा उन्हें रियल लाइफ में आता है। यही वजह है कि अपने गुस्से की वजह से सनी देओल कई बड़ी हस्तियों से पंगा ले चुके हैं। उनकी इस लिस्ट में इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपको बताते हैं कि किस किस हस्ती पर बरसा चुका है सनी देओल का गुस्सा। नंबर 1, आमिर खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक्टर आमिर खान का, जिनके साथ सनी देओल का काफी अच्छा रिश्ता था। एक समय पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे थे और एक दूसरे के घर जाना आना भी था। प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी वह दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा क्लोज थे। इन दोनों की फैमिली भी एक दूसरे से मिला झुला करती थी। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी को होगी कि सनी देओल और आमिर खान के बीच 31 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों की दुश्मनी का कारण है उनकी फिल्मों की रिलीज डेट। दरअसल एक बार सनी की घायल और आमिर की फिल्म दिल साथ में रिलीज होनी थी। आमिर ने सनी देओल से गुजारिश की वो अपनी फिल्म घायल की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दें। सनी देओल ने आमिर खान की बात माने से मना कर दिया है। इस बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस भी हो गई थी और कहां सुनी हो गई थी, यहां तक कि सनी देओल और आमिर खान ने एक दूसरे के साथ पर्सनली मिलकर काफी झगड़ा भी किया था। और आप तो सनी देओल का गुस्सा वाला नेचर जानते ही हैं। आमिर खान ने इसके पीछे की वजह बताने की कोशिश भी की, लेकिन सनी देओल अपने आगे कहां किसी की सुनते हैं। गुस्से में आकर सनी देओल ने आमिर खान को काफी कुछ कह दिया और तब से ही दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। नंबर 2, शाहरुख खान। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान यानी कि शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जब सनी देओल अपने अभिनय करियर में बिल्कुल पिक पर थे, जहां उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट जा रही थी और दर्शकों के दिलों पर अपने किरदार को लेकर वह राज कर रहे थे और काफी ज्यादा चर्चाओं में भी बने हुए थे, तब उसे समय शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए थे और तब तक उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं मिली थी। वह बस अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसे दौरान शाहरुख खान और सनी देओल के पास डर फिल्म के डायरेक्टर अपना प्रपोजल लेकर आए थे। सनी देओल शाहरुख खान की तुलना में सफल अभिनेता थे, इसीलिए इस फिल्म में इन्हें सुनील मल्होत्रा और राहुल मेहरा के बीच चयन करने की पूरी आजादी दी गई थी। तब सनी ने सुनील मल्होत्रा और शाहरुख नहीं राहुल मेहरा का किरदार चयन किया था, लेकिन फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे शाहरुख खान को सनी देओल के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। फिल्म में विलेन का किरदार निभाते समय शाहरुख खान के मन में एक प्रश्न आया था और चिंता में थे कि यह किरदार उनके कैरियर को अंधकार में धकेलने का भी काम कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इस किरदार के बाद शाहरुख खान रातों रात सुपरस्टार बन गए। बताया जाता है कि फिल्म डर में शाहरुख खान को सनी देओल से ज्यादा तारीफ सुनने को मिली थी, जिसकी वजह से सनी देओल काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अपना गुस्सा अपनी जींस की जेब को फाड़कर उतारा था। नंबर 3, अजय देवगन। अब इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन का, जिन्हें उनके दमदार अभिनय और एक्शन के लिए जाना जाता है। अजय देवगन अपनी हर फिल्म में अपने दमदार अभिनय और एक्शन से लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। इन सबके अलावा इंडस्ट्री में अजय देवगन को उनके कम बोलने की वजह से जाना जाता है। उनकी और सनी देओल के बीच भी एक फिल्म दुश्मनी का कारण बनी। खबरों की माने तो फिल्म लीजेंड ऑन भगत सिंह में सनी चाहते थे उनके भाई बॉबी देओल को उसमें कोई अच्छा रोल मिले, लेकिन अजय देवगन ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसके पीछे की वजह कुछ और थी, ना कि सनी देओल से कोई दुश्मनी लेना। लेकिन फिर भी आप तो सनी देओल को जानते ही हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और अजय देवगन से उनकी अनबन हो गई। सनी देओल के ऐसे व्यवहार को देखकर अजय देवगन को भी काफी गुस्सा आ गया और दोनों में झगड़ा हो गया, यहां तक कि हाथापाई तक हो गई थी। लेकिन जब अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के पिता का देहांत हुआ, तब सनी देओल गुस्सा भूलकर अपने भाई संग उनसे मिलने उनके घर गए थे। नंबर 4,
अक्षय कुमार इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का, जिन्होंने 90 के दशक से बॉलीवुड पर राज किया है और आज भी एक से बढ़कर एक फिल्में देकर दर्शकों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। इन दिनों यह अपनी ओमजी 2 फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सनी देओल भी 90 के दशक के बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक फिल्में देकर उन्होंने अपने दमदार अभिनय और अक्षर से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अक्षय कुमार और सनी देओल में एक समय पर बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर जमकर बहस हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि एक बार शूटिंग करते हुए रवीना ने सनी को बताया था कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था। अक्षय संग ब्रेकअप की कहानी बताते हुए रवीना टंडन सनी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। रवीना को रोता देख सनी खुद पर काबू खो बैठे और अक्षय के पास लड़ने पहुंच गए। तभी से दोनों के बीच बातचीत सालों से बंद है। नंबर 5, अनिल कपूर इस लिस्ट में पांचवी और आखिरी नंबर पर नाम है बॉलीवुड के हैंडसम हंक अनिल कपूर का, जिन्होंने अपने समय में अपनी दमदार अदाकारी और अपने गुड लुकस से लाखों दर्शकों का खूब दिल जीत और अपने समय में लड़कियों के दिलों पर राज किया। इन्होंने एक से बढ़कर एक अभिनेताओं के साथ काम भी किया है, उनमें से सनी देओल का नाम भी शामिल है, क्योंकि एक समय में सनी देओल और अनिल कपूर काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती पूरे बॉलीवुड में काफी मशहूर थी। लेकिन अनिल कपूर और सनी देओल की दुश्मनी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। अनिल और सनी के बीच की दुश्मनी भी एक फिल्म से शुरू हुई थी। दरअसल फिल्म जोशीले की रिलीज के दौरान क्रेडिट में सनी देओल से पहले अनिल कपूर का नाम दिया गया था, जिसे देख सनी काफी भड़क गए, जिसके बाद सनी और अनिल को फिर फिल्म राम अवतार में काम करने का मौका मिला। फिल्म में एक सीन था जहां पर सनी देओल को अनिल कपूर के गले को दबाने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन सीन में सनी को अनिल संग हुई सारी बातें याद आ गईं और वो सच में अनिल कपूर का गला दबाने लगे। ये देख सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अनिल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और इसके बाद उन्होंने कभी भी सनी देओल से बात नहीं की। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है सनी देओल के इस गुस्सैल नेचर के बारे में जानकार? क्या आपको लगता है कि जहां सनी देओल का इतने सारे दिग्गज अभिनेताओं के साथ झगड़ा रहा है, तो वही किसी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती होगी जो शायद अभी तक बरकरार है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।